इंसान को होता है, क्योंकि जब तक कि वो इंसान आप कुछ सिखा नहीं सकता तब तक उसको सर और मैम का दर्जा ना दीजिए. एंड नाउ इट्स अप टू यू व्हेदर यू विल कॉल मी मैम लेटर ऑन आफ्टर दिस सेशन, राइट. एनीवेज, कौन है अपराजिता शर्मा, क्यों आई है अपराजिता शर्मा हमारे बीच में और क्या कर रही है? चंडीगढ़ की लड़की दिल्ली में रह रही है और यमुनानगर में क्या कर रही है? हम उम्र की है फिर भी हमारे को आके एक वर्कशॉप और एक पर्सनालिटी ग्रूमिंग की क्लास दे रही है. व्हाई सर? यू नो व्हेन आई वाज 21 इयर्स ऑफ एज आई ऑलवेज ड्रीम्ड बिग. ऐश्वर्या राय बच्चन कॉलिंग ऑल द गर्ल्स फॉर मिस इंडिया ऑडिशंस. दिल तो किया जाने का बट हिम्मत नहीं. मम्मा के पास गए, बोला मम्मा ऐसा है आई नो आई एम स्टडी माई डिग्री इन आर्किटेक्चर. आपको पता है ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी आर्किटेक्चर पढ़ा है बिफोर शी वेंट फॉर मिस इंडिया एंड बिफोर शी बिकेम अ वेल नोन एक्टर. So for me, my idol is Ashwarya Rai Bachchan, and I think everyone out here should have an idol in life to inspire and to aspire. You need an idol. So my idol has always been Ashwarya Rai Bachchan, and because वो जैसी उनकी journey रही तो मुझे थोड़ा लगा कि मैं थोड़ी सी relatable है. शायद मैं भी वहाँ उस मुकाम पे पहुँच सकती हूँ जहाँ पे वो हैं. As I said, always dream big. So, मम्मा के पास गए और बोला कि ऐसा है कि ऑडिशन हो रहे हैं चंडीगढ़ में. मैं बाय द वे बॉर्न एंड ब्रॉट अप चंडीगढ़ की हूँ. मेरी स्कूलिंग सेक्ट हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से हुई है. सो आई वेंट एंड आई आस्क्ड हर दैट आई नो माय स्टडीज आर गोना सफर बट आई वांट टू गिव द ऑडिशन फॉर मिस इंडिया. कमाल की बात है इनके पेरेंट्स की मस्ती जितने भी मैंने देखे मेरे फ्रेंड्स के एल्डर्स के भी पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव. और आप लोग जो यहाँ बैठे हैं इट्स बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स. दोस टू गॉड्स हु आर सिटिंग इन द हाउस एंड वेटिंग फॉर यू टू अचीव योर ड्रीम्स. ऑलवेज बिलीव इन दैम. ऑलवेज देयर विल बी फ्रेंड्स हु कैन बैकस्टैब यू. बैकस्टैब पता है क्या होता है? क्या होता है? अब वो करेंगे. एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ देयर विल बी पीपल हु विल बी पुशिंग यू डाउन बट इट विल टू गॉड्स हु विल बी क्रिटिकल बट दे वुड ऑलवेज वांट द बेस्ट फॉर यू. सो माय मदर लुक्ड एट मी एंड शी सेड जो भी करो अच्छा करो और जीत के आना. तो ऑटोमेटिकली वो मोरल बूस्ट हो गया. ऑडिशंस के लिए गई, 200 लड़कियां आई. 200 लड़कियों में से टॉप 9 में सिलेक्शन हो गया. और पता नहीं कैसे हो गया क्योंकि अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है गर्ल्स फ्रॉम यमुनानगर, गर्ल्स फ्रॉम चंडीगढ़ एंड अभी हमने सेशन करा था आगरा और अलवर के अंदर. इवन गर्ल्स फ्रॉम देयर व्हाट डू वी लैक? वी हैव द टैलेंट. आप लोग देखते हैं टीवी पे आपको लगता है यार हाँ इससे बेटर मैं कर सकती हूँ. We have the potential. What do we lack? Is the exposure. We lack the exposure. जो लड़कियाँ और लड़के metropolitan cities में बैठे हैं, दिल्ली और बॉम्बे में बैठे हैं, उनका confidence या over confidence क्यों है? क्योंकि उनके पास उनका exposure है. वो चीज़ मेरे पास नहीं थी. वो platform मेरे पास चंडीगढ़ में बैठ के नहीं था. थैंकफुली आप लोगों के पास है बिकॉज यमुनानगर में ऐसे INIFD इंस्टीट्यूट खोलना बहुत ही बेहतरीन काम है. और आपके लिए भी कोई है कि आपके लिए ये प्लेटफॉर्म उतना ही इम्पोर्टेंट है और वो आपको उतना ही सक्सेसफुल बनाएगा. यू नो टीचर्स आर द गाइडिंग स्पिरिट एंड द फोर्स बिहाइंड एवरी स्टूडेंट. अगर आपकी फैकल्टी अच्छी है ट्रस्ट मी यू आर गोना बी टैलेंटेड इन द लैडर ऑफ. My faculty that point of time, in terms of exposure, was lacking in Chandigarh. That's the reason why I had to go to Bombay and get trained. So, coming back to my story, so the auditions were, my selection over top 9 के अंदर, उन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया.
जाके उन्होंने मेरे ऑब्वियसली हमारा स्क्रूटनाइज था वहाँ पे हजारों लड़कियाँ हर जगह फ्रॉम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एवरी गर्ल वॉज कम्पीटिंग टू बी इन द टॉप 20 ऑफ मिस इंडिया 2011 आई वॉज सिलेक्टेड देयर वॉज अ क्वेश्चन आस्क्ड टू मी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल